हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड। आज हम चटपटी भरवा भिंडी बना के तैयार करेंगे, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं और चटपट बनकर तैयार हो जाती हैं। तो चलो देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है। भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ ली है 250 ग्राम भिंडी, जिनको अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच दरदरी कुटी हुई सौंफ और 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, ऑयल, 1 पिंच हींग, 8-10 लहसुन की कलियां जिनको मैंने कूट लिया है, आप चाहें तो इसका पेस्ट बना सकते हैं, 1 चम्मच अजवाइन और 1/2 चम्मच गर्म मसाला। भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले हम भिंडी को काट कर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ये भिंडी के आगे पीछे का हिस्सा हटा दिया है। सबसे पहले भिंडी के आगे पीछे का जो हिस्सा है उसे आप हटा दीजिए और भिंडी में बीच में लंबाई में इसमें हमें कट लगाना है, ये देखिए, और इसको इस तरह खोल कर देख लीजिए कि ये भिंडी अंदर से कहीं ख़राब तो नहीं है। ये देखिए, इस तरह इसको आप खोल के देख सकते हैं। अब सभी भिंडियों का आगे पीछे का हिस्सा इसी तरह काट कर निकाल दीजिए और बीच में इसी तरह लंबाई में कट लगाइए कि भिंडी पीछे से तो जुड़ी रहे और आगे से इसमें इस तरह कट लगे कि हम इसमें मसाला इजीली भर सकें। अगर भिंडी ज़्यादा बड़ी है तो आप बीच में से काट के उसके 2 पार्ट कर लीजिए और फिर उसमें लंबाई में कट लगा दीजिए दोनों में अलग अलग, और इस तरह आप काट कर सारी भिंडियाँ तैयार कर लीजिए। मैंने ये सारी भिंडी काट के तैयार कर ली हैं। अब भिंडी में भरने के लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए जो हमने मसाले लिए हैं उनको हम एक साथ मिक्स कर लेंगे। ये हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कुटा हुआ लहसुन और लाल मिर्ची पाउडर, सौंफ, गर्म मसाला, अमचूर पाउडर और हींग। अब इसमें ऐड किया है नमक, और नमक डालने के बाद अब इस सबको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल, ये मैंने इसमें 2-3 चम्मच ऑयल डाला है, और ऑयल डालने के बाद अब इस मसाले को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब ये भिंडी में भरने के लिए मसाला बनके तैयार हो गया है। अब एक भिंडी उठाइए और उसको इस तरह खोलकर आपको इसके अंदर मसाला भरना है। जिस तरफ से हमने इसमें कट लगाया था उस तरफ से अंगूठे की सहायता से इसको खोल के और स्पून से इसमें मसाला भरिए। अब इस तरह मसाला भरने के बाद भिंडी को अच्छी तरह से इस तरह दबा के बंद कर दीजिए और ऊपर से ये बचा हुआ मसाला हटा दीजिए। अब इसी तरह मसाला भर के आपको सारी भिंडी भर के तैयार कर लेनी है। ये भिंडी को खोलिए और उसके अंदर मसाला भरिए। इस तरह जब हम मसालेदार भिंडी बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती है। भरवा भिंडी को पूरी, पराठा, चपाती किसी के भी साथ खाएं, ये बहुत ही लाजवाब लगती है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसमें लहसुन ना डालें, बिना लहसुन के भी ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप लहसुन स्किप भी कर सकते हैं। अब इस तरह सारी भिंडियाँ भर के तैयार कर लीजिए। ये मैंने सारी भिंडी भर के तैयार कर ली हैं। अब भिंडी को पकाने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है और उसमें डाली है 1 चम्मच अजवाइन। तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तभी आप उसमें अजवाइन डालें, और जब अजवाइन तड़कने लगे तो उसमें डालें आपकी भरी हुई भिंडियाँ। और भिंडी डालने के बाद इनको तेल में अच्छी तरह से चलाएं और मिक्स करें। हल्के हाथ से धीरे धीरे इसको चलाना है इस तरह। अब इस तरह 1 से 1.5 मिनट तक इनको खुला पकाने के बाद अब हम इन्हें कवर करके 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, और इस समय आप गैस का फ्लेम एकदम लो कर दीजिए और इनको कवर करिए, और 3-4 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि भिंडी हल्की सॉफ्ट हो गई है, और जो नीचे वाली भिंडियाँ हैं उनको हम चलाकर ऊपर कर देंगे और ऊपर वाली भिंडियों को नीचे कर देंगे, जिससे कि सारी भिंडी अच्छी तरह पक जाए। भिंडी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब हम इसको फिर से कवर कर देंगे और 3-4 मिनट बाद
फिर अब हम देखते हैं कि भिंडी अच्छी तरह सॉफ्ट हो गई है। अब इन भिंडियों को हमें खुला ही पकाना है, 2 मिनट तक इसी तरह कढ़ाई में इनको खुला पकाएं और गैस का फ्लेम इस समय आप तेज कर दीजिए और इनको पकने दीजिए। भिंडी बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है, इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी हमारी भिंडी बनके तैयार हो गई है, इस समय आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इनको गर्मा गर्म पूरी पराठे और चपाती के साथ खाएं। भिंडी देखने में ही कितनी लाजवाब लग रही है, भिंडी बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर आपको ये भरवा भिंडी की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।